ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं। ये तस्वीरें सबक भी सिखाती हैं। मगर सवाल ये कि क्या हम इन खौफनाक तस्वीरों से कुछ सबक लेते हैं? क्या हम सावधानियां बरतते हैं? सड़क हादसों में लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा तो कहता है नहीं, ना हम संभले हैं ना सुधरे हैं, जबकि नियम पहले से और कड़े कर दिए गए हैं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में तो ये नियम भी लागू हैं कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। बावजूद इसके लोग अब भी हेलमेट नहीं पहन रहे, यानी बड़े पैमाने पर ना जागरूकता मुहिम असर कर रही है और ना ही सख्ती। ऐसे में इसका इलाज गाजियाबाद के इन छात्रों ने खोजा है। दक्ष, मुनेंद्र, तनिष, ध्रुव और हर्ष ने ऐसा हेलमेट बनाया है जो आपकी सुरक्षा करेगा। इस हेलमेट में कई तरह की डिवाइस लगी हैं। अगर आप हेलमेट पहनते हैं और उसके बाद हेलमेट की सेफ्टी बेल्ट बंद नहीं करते तो आपका टू व्हीलर स्टार्ट नहीं होगा। यही नहीं, अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तब भी आपकी बाइक या स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये शराब की महक भी पहचान लेता है। इस हेलमेट में ऐसी डिवाइस फिट है। दुर्घटना की स्थिति में इस हेलमेट में लगा सिस्टम आपके परिजनों, पुलिस और हॉस्पिटल को भी इसकी सूचना दे देगा। इस हेलमेट में लगा जीपीएस ट्रैकर आपकी लोकेशन भी आपके परिजनों तक पहुंचा देगा। कि किस तरीके से ये स्कूटी, एक स्कूटी के साथ इसका एक कनेक्टर को कनेक्ट किया गया है, यानी कि हेलमेट सर पर होगा और एक डिवाइस स्कूटी में लगा हुआ है। जब तक हेलमेट की ये जो नॉट है ये पूरी तरीके से टाई अप नहीं होगी तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये एक ड्राइवर मान लीजिए ये अल्कोहल इन्होंने लिया हुआ है, ड्रिंक किया हुआ है और ये हेलमेट लगाते हैं और ये बैठ गए, अब ये कोशिश करेंगे अपने व्हीकल को स्टार्ट करने का। जी कोशिश करिए आप, बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने हेलमेट का नॉट नहीं पहना हुआ है। अब अगर ये नॉट पहन के हेलमेट का गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये बच्चे जो है नॉट को लगा रहे हैं, अब ये हेलमेट के नॉट को लगा दिया गया, यानी सेंसर्स ने कहा कि अब गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी कि हेलमेट के सेंसर्स ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। जो गाड़ी चलाने वाला है, वाहन चलाने वाला है, उसने हेलमेट लगा लिया है और उसको ढंग से नॉट भी लगा ली है। अक्सर हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मौत सिर पर हेलमेट ना पहनने से होती है। ऐसे में एक खास तरह का हेलमेट लोगों की जान बचा सकता है। छात्रों के दिमाग में ये आइडिया भी यहीं से आया कि क्यों ना ऐसा हेलमेट तैयार किया जाए जिसे पहनना जरूरी और मजबूरी दोनों बन जाए। अगर सर हम एक ऐसा हेलमेट बनाए जो सर एक मशीन तो को सर भेदभाव नहीं कर सकती कि हमारा ये पराया तो सर कुछ नहीं होगा, हमने सर एक ऐसा हेलमेट बनाया जिससे हम देख सकें कि इंसान की बस जान बचे। सर इसमें सर हमने सर यहाँ पर एक अल्कोहल सेंसर लगाया, सर एक लिमिट सेट करी हुई है हमने। अगर सर लिमिट से बाहर उसने पी रखी है या सर ड्रिंक कर रखी है तो सर हम उसमें सर माइक्रो कंट्रोलर सर ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा और सर GSM के थ्रू सर फैमिली मेंबर्स, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स को सब कुछ चल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स, GPS के कोऑर्डिनेट्स सर रिसेंटली हर बार चेंज होते रहते हैं, सर सेव करेगा जो रिसेंटली GPS लोकेशन होगी सर वही जाएगी। मेरा बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो सर GPS सिस्टम इन सबसे कनेक्टेड है, वो भी मैसेज आ जाएगा लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ कि इस पर्सन का इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। छात्रों ने यह हेलमेट एक महीने में तैयार किया। इसे बनाने में करीब 4600 रुपए का खर्च आया है, लेकिन छात्रों का मानना है कि अगर ज्यादा हेलमेट तैयार होंगे तो इसका खर्च सिर्फ 2000 रुपए आएगा। इससे सर हमारा जो प्रोटोटाइप है इसे बनाने में 4600 की कॉस्टिंग आई है, और सर फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती है और बल्क में बनता है तो ये 2000 के अंदर आराम से बना जा सकता है। छात्रों का ये आविष्कार लोगों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। जरूरत है इस टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर परीक्षण हो ताकि हेलमेट कंपनियां ये सिस्टम हेलमेट में फिट कर सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन बच्चों का ये, और एक ऐसा इन्वेंशन है जो आगे चलकर बढ़ते सड़क एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं को रोक सकता है। कैमरामैन विवेक के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गाजियाबाद।